अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कैसी गुजर रही हैं आपकी सर्दियाँ? तो बदलते हुए मौसम के साथ हर किसी के रंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है? किसी को गर्मियाँ सूट करती हैं, किसी को सर्दियाँ सूट करती हैं। तो मैं आज आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो सर्दियों के हिसाब से बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत निखर जाएगी और साफ़ हो जाएगी, कलर कॉम्प्लेक्शन में आपके बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो चले बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो शुरू करते हैं, किस बात का इंतज़ार है? तो इस रेमेडी के लिए जिस चीज़ की हमें सबसे पहले ज़रूरत है वो है एक अदद पानी का टब। पानी के टब में मैंने नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है, ठीक है? इतना कि आपके हाथ उसमें बर्न नहीं हो, नीम गर्म हो, ठीक है? फिर मैंने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है फटकड़ी। हम इसमें फटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। आप फटकड़ी इस फॉर्म में भी इसमें कर सकते हैं, डाल सकते हैं और ये मेल्ट हो जाएगी, ये इजीली मेल्ट हो जाती है, ठीक है? और मैंने जो ली है फॉर्म मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है और मैंने फटकड़ी को इसके मैंने 3 चम्मच जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है? फिर मैंने इसमें डालना है शैम्पू। फिर मैंने इसको हल्का सा मिक्स करना है, अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें अपने हाथों को डिप कर लेना है, ठीक है? आपने अपने हाथों को ऐसे 15 से 20 मिनट के लिए आपने अपने हाथों को ऐसे डिप रखना है। फटकड़ी इस्तेमाल हुई है, ये स्किन को लाइटन करती है। इसमें एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को श्रिंक करती हैं और स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करती हैं। ये जेल फॉर्म और स्किन क्रीम में भी इस्तेमाल होती है। ये पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स को भी कम करती है और ये स्किन को, सबसे जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि स्किन को लाइटन करती है और टाइट करती है, ठीक है? आपके पोर्स को टाइट करेगी। आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, हल्के से कॉटन की मदद से आप इसको हल्का हल्का पानी में मिक्स करके तो आप अपने फेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं 15 मिनट के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। अच्छा जी, पूरे 15 मिनट मैंने अब इसको 15 से 20 मिनट तक डिप किया। अब डिप करने के बाद मैंने अपने हाथों को इसमें से निकाल लेना है, ठीक है? ये आपके हाथों को सॉफ्ट कर देगा। देखें, अभी इसको डिप करने के बाद ही इसका रिज़ल्ट देखें साफ, ठीक है? इसके बाद आपने इसको किसी भी स्क्रब की मदद से, अब इसको ड्राई करने के बाद हम जो इसके ऊपर, अब हम इसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है? अब हम इसके लिए जो पेस्ट लगाएंगे हाथों पे इस्तेमाल करेंगे और पाँव पे वो बनाते हैं, है? हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। उस बाउल में हम दो चम्मच दही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? दो चम्मच दही इस्तेमाल किया। उसके बाद 2 चम्मच हमने टमाटो प्यूरी इस्तेमाल की। टमाटो प्यूरी, टमाटो को आपने लेना है, उसकी प्यूरी बना लेनी है, ठीक है? और उसको इसमें ऐड कर देना है। फिर हम उसमें 1 चम्मच भर के डेढ़ चम्मच चले ऐड कर लें, ठीक है? हम इसमें बेसन डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है और दही में भी ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
ये देखें इसकी पेस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको हाथों पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस पेस्ट को आपने लगा लेना है और इसको लगाने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए लगा रहने देना है। ठीक है, अब हम इसको लगा के छोड़ देते हैं। ऐसे ही आपने इसको पाँव पे लगाना है और फिर 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना। 15 मिनट के बाद लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब ये ड्राई हो गए, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो गए। अच्छा, जब तक मैं इसको उतारने साथ साथ उतारती हूँ, तो जब तक मैं उतार रही हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चले जी, मैं उतारती हूँ। अच्छा, आप इसको सादे पानी के साथ भी उतार सकते हैं, लेकिन क्या ही रिज़ल्ट ज़बरदस्त आए अगर आप उसी टमाटो पेस्ट की प्यूरी को अपने हाथों पे थोड़ा सा लगाएं। ठीक है, ऐसे इसी प्यूरी को आपने इस तरह लगाना है। ठीक है, फिर लगाने के बाद आपने सर्कुलर मोशन में मूव करना है। बस 2 से 3 मिनट आप इसको मूव करें अच्छी तरह से आपके फिंगर्स। अच्छा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना ये जॉइंट्स ब्लैक होते हैं ना, इनको फेयर करने का ऐसा नुस्खा बताऊंगी ना, कमाल का ही होगा। ठीक है, अब आपने इसको सर्कुलेशन में मूव करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अभी मैं इसको वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट वॉश करने के बाद कैसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जी, ज़बरदस्त मिलेगा रिज़ल्ट आपको। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।